नमस्कार साथियों एक बार फिर आज नाम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे मोदी सरकार ने दिया गरीबों को बड़ा तोहफ़ा यानी साल 2024 में चार बड़ी योजनाएं जिसमें महिलाओं को खासतौर पर बारह सौ पचास रुपये दो हज़ार रुपये चार सौ पचास रुपये वहीं पंद्रह सौ रुपये भी यहाँ पर हर महीने के तौर पर यहाँ पर महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में बात करेंगे ये योजनाएँ किस प्रदेश में चलाई जा रही हैं साथ ही साथ कुछ चीज़ें होंगी बंद अब कौन सी चीज़ें होंगी बंद आपको क्या काम करने होंगे जिससे ये चीज़ें बंद ना हो तो आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे वीडियो कहीं तक बने रहिएगा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की तरफ से गरीब परिवारों से जुड़ी महिलाओं के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है अब सरकार बड़े पैमाने पर नारी सम्मान स्कीम के तहत महिलाओं को पंद्रह सौ रुपये भेजेगी वहीं अगर मैं बात करूं इन्हीं महिलाओं के खाते में यानी नारी सम्मान योजना के तहत यहां पर महिलाओं को माला माल करने जा रही है सरकार बड़े फ़ायदे इस योजना के अंतर्गत महिलाओं उम्मीदवारों को दिए जाएंगे ये योजना है हिमाचल प्रदेश की जो कि यहाँ पर नारी सम्मान स्कीम के तहत पंद्रह सौ रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं आगे नेक्स्ट योजना की तो यहां पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों के लिए भी बड़ी खबर है खासतौर पर महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिसमें अभी तक दस करोड़ से ज़्यादा महिलाओं ने यहाँ पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन ले रखा है सरकार महिलाओं को पचहत्तर लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन से और जोड़ रही है अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दें इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो 2025 तक अब आपको सब्सिडी के तौर पर सरकार आपके खाते में तीन सौ रुपये भेजेगी साथ ही साथ जो सिलेंडर आम नागरिकों को नौ सौ पाँच रुपये में नौ सौ तीन रुपये में दे रही थी वही अब आठ सौ तीन आठ सौ पाँच रुपये में देगी सरकार महिलाओं को खाते में बड़ी रकम भेजेगी सरकार यानी मात्र चार सौ पचास रुपये में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को यह सिलेंडर दिया जाएगा तो अभी तक आप आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट योजना की अगर बात करें तो वहीं सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को जो गरीब परिवार हैं उनके सदस्य यानी महिला हैं तो उन महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से दो हज़ार रुपये की रकम हर महीने उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी यह रकम डी डी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी तो अभी तक आपने इस योजना का भी लाभ नहीं लिया है तो आप इसका आवेदन कर दें क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मसम्मान सशक्तिकरण तथा समाज को आगे लाने के लिए महिलाओं को खास तौर पर यहाँ पर यह धनराशि भेजी जा रही है वहीं पे अगर बात करें लाडली बहना योजना के माध्यम से सरकार जो कि विधवा निराश्रित तलाकशुदा महिलाओं को खास तौर पर यहाँ पर बारह सौ पचास रुपये की किस्त भेज रही है यह योजना है मध्य प्रदेश सरकार की जहां पर महिलाओं के खाते में हर महीने बारह सौ पचास रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं यानी हर महीने दस तारीख को यह धनराशि सभी बहनों के खाते में भेज दी जाती है वहीं लाडली बहना योजना के माध्यम से यहाँ पर आवास भी प्रोवाइड किया जा रहा है इन सभी बेसहारा तलाकशुदा विधवा महिलाओं के खाते में यह घर बनाने के लिए धनराशि आपको एक लाख बीस हज़ार एक लाख तीस हज़ार दी जा रही है इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं यहां पे सरकार की तरफ से ये सारी योजनाएं आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं इस पर मैंने अलग से भी वीडियो प्रोवाइड किया है अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्ले में ज़रूर देख लीजिएगा वहीं नेक्स्ट योजना की बात करें तो महतारी बंधन योजना के माध्यम से राज्य की समस्त महिलाओं के खाते में एक हज़ार रुपये हर महीने ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं यानी साल की बात की जाए तो बारह हज़ार रुपये यहाँ पर महिलाओं के खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिसकी पहली किस्त जारी हो गई है अब आप सभी बहनों को दूसरी किस्त का इंतज़ार है अब जिन माताओं बहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो अपने नज़दीकी किस ब्लॉक में जा सकते हैं या किसी सी सेंटर पर जाकर उसे आवेदन कर दें जिससे आगे आने वाली किस्त आपके भी खाते में पहुंच सके ये चार योजनाएं माताओं बहनों के लिए उनके आत्मसम्मान उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वहीं हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें हो होने जा रही हैं बंद अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो पहला पहला है कि फ़ास्टैग फास्ट टैग फास्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं टोल टैक्स पे करने में अगर आप 31 मार्च तक आप इसका केवाईसी नहीं करते हैं तो अप्रैल से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है वहीं अगर मैं बात करूँ सरकार की तरफ से आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है यानी एक अप्रैल से आपके ऊपर यहाँ पर जुर्माना एक हज़ार रुपये लगाया जा सकता है सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस है तो आप ये काम जरूर कर लें इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं नमस्कार